नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15, 16 और 17 अक्टूबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 15 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और श्रवण नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, योग की बात करें तो शूल नाम का शुभ योग रहेगा, स्वाति गण नाम का भी योग रहेगा। और दोस्तों, राहु कल के समय सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर के 12:12 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। इसके उपरांत दोस्तों, चंद्रमा ये दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, एकादशी तिथि और घनिष्ठ नक्षत्र के साथी वृद्धि नामक शुभ योग रहेंगे। राहु कल के समय सुबह के 9:20 से लेकर सुबह के 10:46 रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 17 अक्टूबर की बात करें तो रविवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और ध्रुव नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय शाम के 4:29 से लेकर शाम के 5:55 रहेगा और चंद्रमा कुंभ के उपरांत इस दिन मीन में गोचर कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में घर की साज सज्जा पर भी उसकी खरीदारी के दौरान आप खर्च होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में अधिक यश में उत्साह से दिखाई देंगे। वही दोस्तों, इस दौरान आप जो है दिल खोलकर अपना अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। वही दोस्तों, इस दौरान आप दिल खोलकर अपने जो है अच्छा खासा धन को खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों, इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपकी जो है छवि पर भी पड़ेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो दोस्तों यश समय छात्रों को पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये जो दिन है अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी सलाहकार को ढूंढने, ध्यान रहे कि आप सही व्यक्ति की सलाह लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो पुराने रुके हुए काम है वह बनेंगे। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए फलदायक काफ़ी तौर पर रह सकता है। किसी गुरु या फिर समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, यह समय बच्चों के साथ कुछ समय गुजार पाएंगे, उन्हें पढ़ाएं और उनके साथ जो है अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। दोस्तों, आपकी सलाह से उन्हें लाभ होगा। ये जो समय है मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा आप समय अवश्य दें सीखने सिखाने के लिए। ये जो आपके लिए दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ उन पर आप कदम यश में उठाएंगे। दोस्तों, इन दिनों में व्यावसायिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, आपकी जो है व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। आप यश में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ की लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आप कभी नहीं जानते हैं और आप इसे वास्तव में किसी विशेष के साथ जो है शीघ्र ही संबंध प्रारंभ कर सकते हैं और यह एक जो है दीर्घकालिक संबंध की शुरुआत हो सकती है। वही दोस्तों, इन दिनों में परिवार में जो है सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई भी निर्णय जो है किसी बड़े सलाह से ही लें तो आपके लिए भविष्य में उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य यह समय सामान्य रहेगा। इन दिनों में आपको मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों, वहीं यह समय माताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है,
या फिर दोस्तों परिवार में हल्की फुल्की तनाव हो सकती है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली जो है रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए उत्साह और उमंग से भरपूर भी होगा। जीवन के प्रति सकारात्मक अभिप्राय प्रत्येक कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों यश में आप अपनी इच्छा से कार्य को कर सकेंगे और उसके लिए अनुकूलता निर्मित होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में सामान्य रूप से जो पूरा दिन है आपके लिए अत्यंत व्यस्तता से बीतेगा, क्योंकि यश में आप कार्य में व्यस्त रहेंगे ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है रेड बुल की एनर्जी को अपने अंदर लिए आप जो है ऑफिस की ओर चल पड़ेंगे। दोस्तों आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, इसलिए आप कामों में सुधार करते हुए वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा भी यश में अर्जित करने वाले हैं। दोस्तों आप कठिन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम को यश में प्रेरित करेंगे, गणेश जी को ऐसा लगता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, चूँकि दोस्तों आप यश में उत्साहित रहेंगे इसलिए अपने जीवनसाथी से मिलने पर भी आप कुछ उसके साथ रोमांस करने की भी चाह रखेंगे। दोस्तों यश में आप कुछ जो है उत्कृष्ट चुटकुले भी सुनाएंगे, आपके जो है मासूक को यह काफ़ी पसंद आएगा, वो आपके शब्दों में जो है पिघल जाएगा। हंसी मजाक से भरी ये जो दिन है आपके लिए गुजरेंगे दोस्तों, ऐसा गणेश जी का भविष्यवाणी है। वहीं दोस्तों यश में आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए, ये जो समय है आपके वित्तीय मामलों को लेकर जो है निश्चित रूप से अनिश्चित रहने वाली संभावना है। दोस्तों यश में आप और अधिक धन अर्जित करने के लिए दोहरे पर खड़े रहेंगे। दोस्तों आप पैसे बचाने के तरीकों को भी लेकर यश में अनिश्चित रहेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में उत्साह और आत्मविश्वास से युक्त रहते हुए आप जो है इन दिनों का सबसे अधिक फायदा उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को जो है सही दिशा में लगाएंगे। इसके अलावा यश में आप अपने कार्यस्थल पर ईर्ष्यालुओं और दुश्मनों से सावधान रहें, अन्यथा वे प्रगति के रास्ते में बाधा भी डाल सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आप अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें, इससे जो है आप बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। विदेशों में पड़ी आपकी जो जमीन है यश में अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। दोस्तों यश में सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको जो है प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में लगाएगा। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। दोस्तों इन दिनों में साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज़्यादा परेशानियां देंगी, कोई आपका भेजा फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके पास जो है खाली समय रहेगा और इन समयों का आप उपयोग जो है ध्यान और योग में लगा सकते हैं। आपको इनसे जो है मानसिक शांति का एहसास होगा। उबाऊ होते हुए भी शादीशुदा जिंदगी के लिए ये जो दिन है कुछ रोमांटिक ढूंढने की ज़रूरत होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने जो बेडरूम में क्रिस्टल बॉल रखने से जो आपके स्वास्थ्य इसमें अच्छा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको आशंका है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है जिससे आपके व्यवसाय में बाधा और घर में भी क्लेश होता है, तो दोस्तों इनसे बचने के लिए 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला को 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से केश बार वार कर शनिवार के दिन बहते जल में विसर्जित करें। और दोस्तों मन में हनुमान जी का ध्यान जरूर करें। 7 शनिवार तक निरंतर यह उपाय करने से आपके ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव है वह समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि घर में भी साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए और पीपल के पत्ते से घर में जो है 7 दिन तक निरंतर जो है गौमूत्र के छींटे मारें और उसके बाद गूगल का धूप जलाकर पूरे घर में छूने दें। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।